Where is Baba? Baba. हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? अभी बजा है करीब 5। थोड़ा सा खेलने के बाद चाय वहाँ पे मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, साथ ही साथ मैं यहाँ पे डो बना लूँगी। मैं आज बनाऊँगी गार्लिक ब्रेड एंड पिज़्ज़ा, तो माइक्रोवेव में देखते हैं पहली बार बनाते हैं कैसा होता है क्या। उसके लिए मैं सबसे पहले ईस्ट को यहाँ पर फर्मेंट होने के लिए रख रही हूँ। लेकिन एक व्लॉग ये व्लॉग में मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, मेरे बहुत सारे क्लिप्स ख़राब हो गए हैं एंड ये वाला क्लिप भी पता नहीं कैसे उसको मैंने निकाला दोबारा से कोशिश करके अच्छे से क्लियरली, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कुछ। तो मैंने यहाँ आधा कप गुनगुना पानी, थोड़ा चीनी मैंने लिया है 1 कप एंड इसमें मैंने यहाँ पे ऐड करूँगी जो भी आप पैकेट यूज़ करते हो ना उसमें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ईस्ट को, तो आप उसी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ही आप यूज़ करना। तो वहाँ पे था गुनगुना पानी, चीनी एंड वहाँ पे 1.5 चम्मच यहाँ पे लिखा था कि आपको ईस्ट लेना है, तो मैंने उसी हिसाब से लेके इसको मिक्स करके मैं इसको रख दूँगी। तो जब तक ये फर्मेंट हो जाएगा हमारा चाय वगैरह सब कुछ वहाँ पे पीना भी हो जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने यहाँ पे रख दिया एंड हाँ, मैं यहाँ पे ना आज आटे का बनाऊंगी पिज्जा एंड गार्लिक ब्रेड। आप चाहे तो मैदे से भी बना सकते हो ये, तो इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट बस लगेगा। एंड कंटेनर चेंज के बारे में चिंता मत करना गाइस, मैंने स्टील वाले कंटेनर में उसको ट्रांसफर किया क्योंकि व्हाइट वाला जो था ना उसमें पता नहीं चल रहा था कैमरा पे। 5 कप मैंने आटा लिया था एंड ईस्ट अच्छे तरीके से फॉर्म होने के बाद वो 5 कप आटा में मैंने नमक ऐड कर लिया था, आपको और कुछ भी ऐड नहीं करना। एंड वो ईस्ट जब फर्मेंट हो जाएगा मैंने ईस्ट को इसमें मिक्स कर लिया था एंड गुनगुना पानी मैंने लिया था, आप चाहे तो गर्म पानी भी ले सकते हो। लेकिन इस आटे को मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे गूंद लिया है एंड आपको ये बात का ध्यान रखना है कि इसको आपको जितना गूंदोगे आटे को आपका उतना अच्छा बनेगा बेस। एंड सारे सामान मैंने यहाँ पे लाके रख दिया कि क्या क्या मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा मैसी लग सकता है आपको। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कुछ भी बनाना होता है तो सारे चीज़ें इकट्ठे कर लेती हूँ अच्छी तरीके से पटक पटक के। आटे को गूंदने के बाद यहाँ पे इसको मैंने टर्न कर लिया है थोड़ा सा एंड क्या होता है ना, आपको आटा जिस तरीके से आप गूंदते हो तो आपका बेस उसी तरीके से बन के रेडी होता है। एंड देखो इतना, मतलब बहुत ये बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, आपको बाजू तो दुखने ही वाली है आटा गूंदने में। एंड उसके बाद 1 चम्मच करीब मैंने तेल लगा के मैंने दोबारा से मैंने इस बॉक्स में रख दिया। आप चाहो तो एक कोई भी किचन टॉवल आप इसके ऊपर ढक सकते हो, लेकिन मैंने इस बॉक्स में डाल के इसको करीब मैंने 3-3.5 घंटा इसको रख लिया था, तो उसको वहाँ पे मैं रेस्ट करने के लिए दूंगी। जब वो डबल हो जाएगा आपका साइज़, आपको पता चल जाएगा जब उसका साइज़ डबल हो जाएगा, 3 घंटे से ऊपर ही हो गया था एंड उसका साइज़ डबल हो गया था। एंड यहाँ पे था हमारी आरती, चौथी दिन था आज गणपति का। तो फाइनली इतने क्या और इतने मेहनत के बाद यहाँ पे रेडी है मेरा गार्लिक ब्रेड, जिसका शेप थोड़ा अच्छा नहीं है, ये पहले वाला जाएगा। शेप अच्छा वाला मैं दूसरा बना के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं ये ट्रायल कर रही थी ये कैसा बन रहा है नहीं, लेकिन शेप पे मत जाना, टेस्ट पे जाना, टेस्ट बड़ा अच्छा लगेगा। तो इसको प्री हीट कर लिया है, अभी क्या बताऊँ, बोलो आप लोग एक्सपर्ट हो गए माइक्रोवेव में, मैं आपको सिखा रही हूँ माइक्रोवेव कैसे चलाते हैं। तो प्री हीट कर लिया है एंड आई थिंक मैं इसको 250 डिग्री से, मैंने देखा कि कैसे रखते हैं इनको 250 डिग्री सेल्सियस में हमें 20 से 30 मिनट इसको बेक करना है कन्वेक्शन मोड में। आई नो आप सबको पता है, फिर भी बोलना मत कि यार हमें पता है, तुम सिखा क्यों रही हो। हाँ तो रखो बेटा, ओके आरुष्या टाइम सेट कर लो, फिर अपना अपना टाइम सेट कर लो। ओके, ये हम दोनों का डिस्कशन चल रहा है कि कैसा क्या करना है, रख दे मेरे से। तुम को ये करिया छ बरा कणा इधर करो
तुम्हें कितने देखते ला के 180 को जे के 250 को जे ना तुम्हें 180 कर दियो ना 190 करे 180 180 करो कितने मिनट दरकार 20 मिनट्स दिस इज सेकंड्स अच्छा दे 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 ओके 20 मिनट्स स्टार्ट ये चला चलो अभी 20 मिनट हम लोगों को वेट करना पड़ेगा उसके बाद हम लोग देखेंगे इसका क्या हाल है। चल तो मैंने आपको बोला था ना कि थोड़े से क्लिप्स ख़राब हो गए हैं तो ये अच्छे खासे फुल गया था एकदम पूरा जो सा वो वाला है ना बॉक्स में रखा हुआ था उसमें पूरा एकदम ऊपर आ गया था तो इसी के लिए आप लोग उसका साइज़ में आपको पता चल रहा होगा कि कितने मैंने बनाया है उससे ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा यहाँ पर तो ये दोबारा से एक और मैं बना रही हूँ तो मुझे लगा ये वाला क्लिप रिकॉर्ड अच्छे से हुआ है पता नहीं रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ अच्छे तरीके से इसको तो मैंने इसको ज़्यादा पतला लेयर आपका नहीं करना है या फिर आपको ज़्यादा पिज़्ज़ा वाला जैसा बेस होता ना उस तरीके का भी आपको नहीं बनाना है। फिर मैंने यहाँ पे जो बैटर बनाया है वो बैटर बोल रही हूँ यहाँ पे बटर का जो मैंने लिया था उसको मैंने क्या किया था ना एक आधा कटोरी भर के मैंने यहाँ पे गार्लिक ले लिया था लहसुन उसको मैंने कूट लिया था क्रश कर लिया था एंड उसको क्या किया था जो बटर था उसको मेल्ट करके उसमें मैंने ऐड कर लिया था तो वो वाला मैंने इसमें ऐड किया सबसे पहले उसके ऊपर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा धनिया का पत्ता ऐड किया है एंड यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ ले रही हूँ आपके पास जो भी चीज़ है आप वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हो तो चीज़ 3-4 बनाने के चक्कर में मेरे पास जितने चीज़ थे ना सारे चीज़ ख़त्म हो गए एंड उसके बाद मैंने कॉर्न एंड यहाँ पे कैप्सिकम मैंने लिया है आप चाहो तो सिर्फ कैप्सिकम या फिर सिर्फ कॉर्न भी ले सकते हो या फिर सिर्फ चीज़ के साथ भी आप बना सकते हो तो इसको अच्छे तरीके जैसे मोमोज बनाते हैं उसी तरीके से आपको क्या करना है इसको पैक कर लेना है एंड साइड का जो था ना उसको क्या करना है स्पून से मैंने थोड़ा सा इसको डैप कर लिया ताकि फिक्स रहे निकलेगा ना खुद की श्योरिटी के लिए और कुछ नहीं तो दोबारा से मेरा ब्रश जो था यहाँ पे ब्रश करने का वो ब्रश माही लेके चली गई थी नहीं दे रही थी तो मैंने इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे बनाया तो उसके ऊपर दोबारा से मैंने बटर अप्लाई करके गार्लिक बटर जो मैंने बनाया था एंड जो भी सीजनिंग था आपके पास जो भी है मैंने यहाँ पे हर्ब्स पिज्जा हर्ब्स हो गया ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिया दूसरा एंड ये परफेक्ट बना है इसका एकदम इतना सुंदर शेप एंड साइज में मैं तो लॉकडाउन खत्म होते होते अभी पूरा माइक्रोवेव में भी एक्सपर्ट बन के मास्टर शेफ में चली जाऊंगी मुझे लग रहा है पर मेरे कुक किचन का हालत आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकती अभी इसको खरीद के खाने में कितना टाइम लगता है लेकिन मेहनत कितनी लगती है सच में मेहनत बहुत लगती है जो लोग डेली इतने अच्छे अच्छे खाना बनाते हैं ना कुकिंग चैनल वाले लाइक कर दिया करो एंड मुझे भी लाइक कर दिया करो मैं भी बहुत मेहनत कर रही हूँ अच्छा मतलब कैसा लगा आज ये हमारा हाइट ही नहीं मैच करता ओके चलो बताओ ये कैसा बना है दिखने में अच्छा लग रहा है दिखने में अच्छा लग रहा है खाने में अंदर जाके पक्के खाने में उसके बाद पूरे भी कमेंट नहीं क्रिटिक्स ओके देखने में देखो आंखों को अगर एक चीज अच्छी लगती है ना तो उसका टेस्ट अच्छा ही होता है आंखों को अच्छा लगने वाला हर चीज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता दिखावे में मत जाओ खा के टेस्ट करो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके घर में पहली बार माइक्रोवेव आपने यूज किया होगा तो आपके मन में क्या क्या थॉट्स थे मुझे बताना ठीक है तो जैसे यहाँ पे इनके थॉट्स क्या है कि बने बना के नहीं जल तो नहीं गया अच्छे तुमने अच्छे से रिसर्च किया है कि नहीं सेल्सियस तुमने सही से बोला है कि नहीं है मेरा भी है क्योंकि पहली बार पता नहीं कैसे बनेगा कैसा ये तो एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एंड कुछ लोगों ने बोला मोना आपने अपना माइक्रोवेव का रिव्यू करो पहले मैं इसको यूज कर लूँ एक दो बार फिर मैं इसका रिव्यू अच्छे तरीके से करूंगी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा ना अभी और 7 मिनट एंड 27 सेकंड गाइस हाय कितनी कार्टून की तरह माइक्रोवेव जैसे बच्चे नहीं होते केक बनता है तो ना माँ ही खड़ी होती थी मैं वैसे माइक्रोवेव के पास खड़ी होकर कैसे बनाएंगे नहीं देखने के लिए देखो हमारे मन में भी बच्चे होते हैं छोटा सा बच्चा तो गार्लिक ब्रेड में मैं आपको बताना भूल गई तो आपको जब बेक करो ना पूरा रेडी होने के बाद बेक करने से पहले आपको कोई भी नाइफ हो पिज़्ज़ा कटर हो लेके थोड़ा सा ऊपर का लेयर में ना आपको 3-4 कट्स कर देने हैं वहाँ पे आपने देखा होगा मैं बेक करके दिखाती हूँ आपको वो मैंने रिकॉर्ड करना मैं भूल गई थी इसी के लिए मैंने बोला एकदम परफेक्ट वाला रेसिपी मैं आपको एक ही साथ में नहीं हो पाएगा इस ब्लॉग में तो यहाँ पे अभी बना रही हूँ पहली पिज़्ज़ा जैसे स्मॉल साइज़ का होता है ना उसी साइज़ का मैंने दो बनाया है यहाँ पे तो ये फर्स्ट पिज़्ज़ा बेस की तरह मैंने इसको रेडी कर लिया है एंड नाइफ से थोड़ा सा यहाँ पे जैसे पंचर करते हैं मैंने कर लिया है इसको
ताकि वो अच्छे से फुल ना जाए, बेक ना हो जाए। एंड उसके बाद यहाँ पे पिज्ज़ा सॉस मैंने अप्लाई किया है। आपके पास अगर नहीं है टोमेटो केचप भी आप लोग ऐड कर सकते हो। मैंने इसी के लिए यहाँ पे टोमेटो केचप भी मैंने रखा हुआ था रेडी करके। एंड उसके बाद यहाँ पे मैंने चीज़ इसमें ऐड कर लिया है। चीज़ आप चाहो तो जो चीज़ चाहो आप इसमें ऐड कर सकते हो। एंड उसके बाद चीज़ एक्चुअली मेरे पास कमी था, दो पिज़्ज़ा के लिए ऐड करना था ना, थोड़ा थोड़ा किया। तो यहाँ पे मैंने कैप्सिकम एंड कॉर्न जो कि मैंने वहाँ पे गार्लिक ब्रेड में ऐड किया था वही इसमें ऐड किया। एंड उसके बाद सारे सीजनिंग्स जो भी थे आपके पास जो भी है मैंने वो सब कुछ इसमें ऐड कर लिया है, हो गया मेरा। एंड जो गार्लिक बटर मैंने बनाया हुआ था ना एंड गार्लिक लहसुन एंड बटर का, वो वाला थोड़ा सा मैं चारों तरफ इसको लगा दूंगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मेरे पास बच गया था, मैं क्या करूँ, फेंकना नहीं चाहती थी, इसी के लिए मैंने अप्लाई कर लिया। टेस्ट लेकिन उससे भी अच्छा सा आया। एंड तो फाइनली यहाँ पर रेडी हो गया है ये बेक होने के लिए। देखते हैं पहला वाला गार्लिक ब्रेड कैसा बेक हुआ है। ओके तो ये हो गया, लेट्स सी। बढ़िया बना यार, मस्त बना है। मैं खुद ही अपनी तारीफ कर रही हूँ। चलो इसको निकालते हैं। तो वाओ देखो ये पिज़्ज़ा भी बन के रेडी हो गया, बस छोटा सा बनाया है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया इसे। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। उफ क्या टेस्टी बना यार। तो ये है फर्स्ट पिज़्ज़ा, दूसरा मैंने बेक करने के लिए रखा हुआ है। कैसा है बना है आप लोग बताना ज़रूर। चीज़ थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि मेरे पास दो पिज़्ज़ा के लिए नहीं बचा था, उतना मुझे आइडिया नहीं हुआ। चीज़ आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो गाइस हमें तो बड़ा टेस्टी लगा, कमेंट करके आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को। एंड हाँ अच्छा लगा मुझे एक लाइक तो ज़रूर कर देना। तो चलो हम लोग इन्जॉय करते हैं इसको। हे गाइस कैसे हो आप लोग, गुड मॉर्निंग। आज अगले दिन मैं उसी ब्लॉग को ना कल कंटिन्यू करना मैं भूल गई थी, इतनी थक गई थी ना मैं सो गई कल। एक्चुअली पहली बार मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ एक्टिव रहती नहीं, तो मैं 12 बजे तक कुछ ना कुछ पोस्ट भी करती हूँ। मैं बहुत जल्दी सो गई थी कल। एंड उसके बाद यहाँ पे बहुत जल्दी मतलब लेटी था, बट मेरे अकॉर्डिंग जो मैं टाइम सोती हूँ ना उससे काफ़ी टाइम पहले मैं सो गई थी। आज इसी की वजह से ना मुझे थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है, नहीं तो दो दिन मेरे जो हालत खराब हो गए थे ना मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे एक्चुअली आपको दिखाना था। एंड यस कल हमारा पिज्ज़ा एंड गार्लिक ब्रेड बड़ा अच्छा बना था। मैं पूछती लेकिन वो अभी कॉल पे बैठ गए हैं सुबह से, आज वो भी बिजी है काम में। मैंने यहाँ पे बनाया है, आज करेंगे हम लोग विसर्जन। ये बेसन के लड्डू एंड जैसे चुहिया नहीं होती है माही, चुहिया की तरह आती है, मम्मा दे दो मम्मा दे दो मम्मा दे दो करके होती है वो, उसको मैंने इसी के लिए यहाँ पे रखा है। टेबल पे ले जाओ ना तो पूजा से पहले ही वो खाली कर लेगी माही, उसको बेसन के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। एंड मुझे जो चीज दिखाना था, यहाँ पे एक और किचन में आया है हमारा सामान, ये स्टैंड आया है। तो पर पता है मुझे नहीं पता था कि महेंद्र ने ना ये वाला स्टैंड उन्होंने ऑर्डर किया है। अच्छा स्टैंड है, ऐसा नहीं कि खराब स्टैंड है। इसके नीचे भी मैं यहाँ पे वो जो स्पाइस बॉक्स है ना वो मैं रख देती हूँ तो हो जाता है मेरा, उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे को भी आप लोग यूज कर सकते हो या फिर छोटा छोटा कप्स वगैरह भी ट्रे में डाल के रख सकते हो। पर मुझे चाहिए था ऐसा ऊपर में ना एक सेल्फ हो ताकि मैं ऊपर कुछ कुछ सामान रख सकूं। पर वो मंदिर ने बोला कि ऑनलाइन हमारी ये जो 20 लीटर का है, बहुत लोगों ने पूछा था, इस साइज का वैसा वाला हमें नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत ढूंढा नहीं मिला उनको अमेज़न पे। अगर किसी के पास उस तरीके का स्टैंड का लिंक है तो मुझे आप लोग देना उस तरीके का लिंक, अगर है तो। 28 लीटर का LG मॉडल का है, हमें नहीं मिला वो लिंक। एंड एक और चीज, पर बहुत लोगों ने बोला गैस के साइड पे क्यों रख रहे हो, मत रखो। तो हाँ पर जगह नहीं है ना अभी, क्या करें। मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे ना एक कैबिनेट की तरह कुछ लूँ ताकि जिसके ऊपर मैं माइक्रोवेव रख सकूँ, क्योंकि मेरा मिक्सर जा रहा है, मेरा राइस कुकर है जो मैं बहुत रेयर यूज कर पा रही हूँ क्योंकि जगह नहीं होता यार, पता है यही प्रॉब्लम है। मतलब किचन में ना सेल्फ है पर उसको हिसाब से प्लग पॉइंट नहीं है, उस साइड में कुछ भी प्लग पॉइंट नहीं है, यहीं पे है सारे प्लग पॉइंट, तो हमें इसी साइड का ही यूज करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता उन लोगों ने यहाँ पे एक प्लेट क्यों नहीं दिया, फिर दे देते तो बहुत अच्छा होता, इस साइड में भी और कुछ देते। पर
अगर आप लोगों में से किसके पास भी उस तरीके का कोई कैबिनेट की तरह है, नीचे अगर कबर्ड में स्पेस जैसा होता है ना, ये सेल्फ होता है कुछ रख सके वैसा कैबिनेट है, तो लिंक मेरे साथ इंडियन ब्लॉगर माई का, मेरा इंस्टा आईडी है, आप लोग चाहो तो शेयर कर सकते हो अगर किसी ने बनवाया हो। क्योंकि मेरी जो पहली नेबर थी ना, उन्होंने बनवाया था एक, उनको बहुत चीप पे मिल गया था एक्चुअली। उन्होंने एक ऐसे जो होता है ना कि शॉप वगैरह जो पुराना सामान सेल कर लेते हैं, तो वहां पे वो अंकल ने ना देखा था 2000 का ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा टूटा फूटा सा लकड़ी का उड़का ना एक बेंच की तरह था, तो उन्होंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बना दिया और 1500 उनको ज्यादा लगा, 3500 में उनको इतना मतलब यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ा सा उनका कैबिनेट रेडी हो गया था। बट वो थोड़े टाइम पहले, अभी तो 3000 में आई डोंट थिंक बनेगा उस तरीके का। तो पता नहीं अगर आप में से किसी ने बनवाया है या फिर खरीदा है कुछ इस तरह का कैबिनेट, तो मुझे प्लीज शेयर कर लेना, उसका लिंक हो, फोटो हो, कुछ भी हो, या फिर आपके पास है तो एटलीस्ट फोटो मेरे साथ जरूर शेयर कर लेना। तो चलो जल्दी जल्दी मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि आज करने वाले हम लोग गणपति का विसर्जन, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। अभी वो बात कर रहे ऑफिस के काम में है, वो काम खत्म कर ले फिर उसके बाद मैं बना लूंगी यहाँ पे लंच। एंड आई होप आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। गाइस अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब टू माय चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक भी किया करो यार, पता है क्यों नहीं लाइक करते हो आप लोग। मिलते हैं हम लोग कल, मैं ठीक हूँ। बहुत सारे लोग के सवाल आए थे मोना आप कैसे हो, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल, बाय, टेक केयर।